एपिसोड की शुरुआत में हम मॉम जिन्सी को देखते हैं जो कि चुनाव की फैमिली पर काफी गुस्सा कर रही थी कि उन्होंने उसे चोर कैसे समझ लिया। पर इस इंसिडेंट की वजह से चेन्यू काफी सैड होती है। फिर रात में मॉम जिन्सी और चेन्यू उस ब्रेसलेट को काफी कोशिशों के बाद निकाल लेते हैं, जिस पर ताइचू कहता है कि वो लोग इसे कल उन्हें वापस लौटा देंगे। पर चेन्यू बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। यहाँ मिस्टर तांग जिन्सी को बोलते हैं कि वो खूब मेहनत करेंगे और उन्हें अच्छी लाइफ देंगे। दूसरी तरफ मिसेस शेन चेन्यू और उसकी मॉम पर काफी गुस्सा थी, इसलिए वो चुनाव को कहती है कि वो चेन्यू को काम से निकाल दे। लेकिन चुनाव चेन्यू की साइड लेता है और कहता है कि बिना किसी रीजन के वो उसे काम से नहीं निकाल सकता। जो बात सुनकर उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है पर फिर भी तुम चेन्यू के पीछे पड़े हुए हो। और चुनाव को यहाँ पर चेन्यू की साइड लेता हुआ देखकर यूनी भी थोड़ी सी मायूस हो जाती है, और यूनी यहाँ पर चुनाव और मॉम के बीच में बहस को देखकर उन्हें शांत करवाती है, जिसके बाद चुनाव यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ताइचू चेन्यू से उसकी उदासी का कारण पूछता है, तो चेन्यू बोलती है कि उस इंसिडेंट के वक्त उसने कितना शांति से काम लिया, बल्कि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं और वो सबका सामना करने वालों में से है। तो ताइचू बोलता है कि क्या ये चुनाव की वजह से है, और उसे बोलता है कि दूसरों के जजमेंट पर खुद को बदलना ठीक नहीं है। और फिर उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसके साथ ट्रैवलिंग की बातें करने लग जाता है। सीना वापस से यूनी पर आता है, जो कि चेन्यू की मैनेजर से पार्टी में वेट्रेस चेंज करने का रीजन पूछती है। मैनेजर बताता है कि उसे चुनाव ने ही चेन्यू को मेंशन पर भेजने के लिए कहा था, जो सुनकर यूनी चुनाव को फोन लगाती है और उसे घर जल्दी आने के लिए कहती है। पर चुनाव बोलता है कि वो कुछ टाइम अकेला रहना चाहता है। अब यूनी यहाँ पर उसे आई लव यू कहती है और पूछती है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो, जिस बात का चुनाव कोई भी जवाब नहीं देता और यूनी को जल्दी सोने के लिए कहता है। फिर चुनाव कार लेकर सीधा ग्वानमे विलेज पहुंच जाता है, पर वो वहां पर चेन्यू को देखता है, इसलिए वो उसके पास जाता है। जहाँ चुनाव को यहाँ देख कर चेन्यू हैरान हो जाती है और उसकी यहाँ पर आने का कारण पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो यहाँ पर क्यों आया है और इससे पहले वो यहाँ पर कभी भी नहीं आया, लेकिन फिर भी ये जगह उसे जानी पहचानी लग रही है। वो फिर यहाँ पर चेन्यू के साथ बैठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तोंगहाओ कभी इस जगह पर आया था, पर चेन्यू उसे कुछ भी नहीं बताती और आज पार्टी में उन्हें बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है। लेकिन चुनाव उसे कहता है कि मैं जब से तुमसे मिला हूँ मेरी लाइफ में आम बात हो गई है, इसलिए थैंक्स की जरूरत नहीं है। जो सुनकर चेन्यू बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक बनाने के लिए आए हो। फिर चुनाव बताने लग जाता है कि जब उस आदमी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी तब मैंने उसे मारा, और जब तुम पार्टी में किसी और की डेट बनकर आ रही थी इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर वेट्रेस बनकर आने का ऑर्डर दिया। ये सब बताकर वो उसे बोलने लग जाता है कि मैं हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। जो सुनकर चेन्यू भी इमोशनल होने लगती है और बोलती है कि अगर मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। जो सुनकर चुनाव खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी तोंगहाओ वाली बातों पर यकीन है और शायद इसीलिए वो रिंग उस दिन तुम्हारी उंगली से नहीं निकली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं यही हमारी डेस्टिनी है। पर चेन्यू बोलती है कि आज मुझे रियलाइज हो गया कि हम दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है। जो सुनकर चुनाव उससे अपने लिए एक चांस मांगता है, पर चेन्यू उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए कहती है, जिसके लिए चुनाव नहीं मानता। तो चेन्यू बोलती है कि उसने जिससे प्यार किया था वो तोंगहाओ है, जिस पर चुनाव बोलते है कि अगर ऐसा है तो अब तक तुमने ये रिंग अपने पास क्यों रखी हुई है। जो सुनकर चेन्यू उस रिंग को निकाल कर पानी में फेंक देती है और वहां से चली जाती है, जिसके जाने के बाद चुनाव भी घर पहुंचता है जहाँ यूनी अभी तक उसका वेट कर रही थी। जहाँ चुनाव उसे सारी बातें बता देता है कि वो अपने अफेक्शन को लेकर श्योर नहीं है और अगर ऐसा ही रहा तो शादी के बाद तुम्हें सिर्फ दर्द ही मिलेगा, इसलिए उन्हें शादी के बारे में सोच लेना चाहिए। जो सुनकर यूनी काफी शॉक हो जाती है और रोने लगती है, और मिसेस शेन यहाँ पर चुनाव के फैसले को एक्सेप्ट नहीं करती। पर चुनाव कहता है कि अगर उसकी और यूनी की शादी हुई तो ये बहुत ही गलत होगा, और जिसे आप प्यार का नाम दे रही हो वो सिर्फ एक फैमिली बॉन्डिंग है उनके बीच में। अब मॉम यहाँ पर उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन चुनाव अपना आखिरी फैसला बताकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यूनी मॉम को गले लगाकर खूब रोती है। और इधर चुनाव अपने रूम में खुद से बोलता है कि वो चेन्यू को मना कर ही रहेगा। दूसरी तरफ चेन्यू भी रोते हुए तोंगहाओ के विश कार्ड्स देख रही थी। फिर अगले दिन चेन्यू ताइचू के साथ होती है और कहती है कि तुम मुझे मॉर्निंग में पिक करने मत आया करो, मैं खुद ही आ सकती हूँ। फिर ताइचू उसे ब्रेकफास्ट देता है, जिसे देखकर चेन्यू कहती है कि ये तो काफी कम है मेरे लिए।
ताइचू बोलता है कि ये दो लोगों का ब्रेकफास्ट है, तो चन्नी बोलती है कि अगली बार से ना चार लोगों का खाना लेकर आना। ताइचू अब यहाँ से उसके नेकलेस के पैर में पूछता है, तो चन्नी बताती है कि उसने उसे फेंक दिया और उसे कोई भी रिग्रेट नहीं हुआ, जो सुनकर ताइचू स्माइल करता है कि अब चन्नी मूव ऑन कर रही है। दूसरी तरफ ब्रेकफास्ट टेबल पर मिसेस शेन यूनी को बताती है कि चुनाव आज सुबह जल्दी काम पर चला गया है, इसलिए वो यहाँ पर यूनी से बोलती है कि देखना चुनाव मेरी बात नहीं टालेगा, बस वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, इसलिए उसे थोड़ा टाइम दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो उसे शॉपिंग पर और मूवी देखने चलने के लिए कहती है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए, लेकिन यूनी इसके लिए मना कर देती है। सेन अब सैनवेल होटल पर आता है जहाँ पर चुनाव मौजूद था और वो मैनेजर को कहता है कि वो यहाँ पर रूम का स्टेटस देखने के लिए आया है और लिफ्ट से सीधा ऊपर चला जाता है। जब जेनी चुनाव को यहाँ पर देखती है तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है, पर चुनाव उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम जनरल मैनेजर को इग्नोर कैसे कर सकती हो। तो चन्नी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर अपना काम करने के लिए जाने लगती है, लेकिन चुनाव उसके पीछे आ जाता है और काम में चन्नी की हेल्प करने लग जाता है, तो चन्नी उसे ऐसा करने से मना करती है। वहीं यूनी को दावे से पता चलता है कि चुनाव सैनवेल होटल गया हुआ है, इसलिए वो भी जल्दी से वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है। सीना वापस से चन्नी पर आता है जहाँ पर चुनाव उसे काम करते हुए देखे जा रहा था, तो चन्नी पूछती है कि क्या तुम्हें कोई काम नहीं है, जिस पर चुनाव कहता है कि वो तो यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आया है क्योंकि इसी से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का पता चलता है। चन्नी उसे बताती है कि तोंगा को होटल मैनेजमेंट के बारे में काफी पता था और ये जगह भले ही एक्सपेंसिव हो, लेकिन एम्प्लॉयज के फेस पर स्माइल तो ग्वान में इनके अंदर ही दिखती थी, और भले ही यहाँ पर एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हो, लेकिन खुशबू तो ग्वान में होटल के अंदर ही थी। जो सुनकर चुनाव बोलते है कि लगता है मिस्टर तोंगा काफी ग्रेट टीचर थे। तो चन्नी दोबारा यहाँ पर चुनाव के आने का रीजन पूछती है, जिस पर वो बताता है कि तुम एक लड़की हो और शायद इसी वजह से कल तुम कन्फेस नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं आज यहाँ पर तुम्हें चांस देने के लिए आया हूँ। इतने में रेडियो पर मैनेजर चन्नी को सेकंड फ्लोर की स्टेयर्स पर सफाई करने के लिए बुलाता है क्योंकि वहाँ पर ड्रिंक गिर गई थी। इसी बीच यूनी भी वहाँ पर भागती हुई आती है और स्टाफ से पूछने पर उसे पता चलता है कि चुनाव किसी क्लीनिंग गर्ल के साथ है, इसलिए वो जल्दबाजी में स्टेयर से नीचे की तरफ जाने लगती है, पर ड्रिंक गिरने की वजह से वहाँ पर फ्लोर काफी गीला था, इसलिए यूनी का पैर फिसल जाता है। जहाँ यूनी को बचाने के लिए चन्नी अपना हाथ बढ़ाती है, पर यूनी के साथ साथ वो खुद भी नीचे गिर जाती है। इधर मैनेजर चुनाव को बताता है कि सेकंड फ्लोर से कोई गिर पड़ा है, जो सुनकर चुनाव फटाफट से वहाँ की तरफ भागता है क्योंकि उसे चन्नी की चिंता हो रही थी। सीनब हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है जहाँ पर मिसेस शेन चुनाव से इस इंसिडेंट के बारे में पूछती है, तो चन्नी बताती है कि जब वो मूव कर रही थी तब यूनी वहाँ से गुजर रही थी और वो गिर पड़ी, जिसके लिए मिसेस शेन चन्नी पर काफी चिल्लाती है और वो यहाँ पर चुनाव की भी नहीं सुनती। इतने में ही डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं जो बताते हैं कि यूनी का सर टकराने की वजह से उसकी ऑप्टिक नर्व सिस्टम इफेक्ट कर रहा है। उसी वक्त यूनी को भी होश आ जाता है जो बताती है कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो डॉक्टर बताते हैं कि एक ब्लड क्लॉट उसके विजन को ब्लॉक कर रहा है, इसलिए उन्हें सर्जरी करनी पड़ेगी, जो सुनकर यूनी रोने लगती है और चन्नी ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर लिफ्ट के पास उसे ताइचू मिलता है जिसे देखकर वो रोने लग जाती है, तो ताइचू चन्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है क्योंकि उसे भी काफी चोट लगी थी। इधर मिसेस शेन चुनाव को चन्नी को काम से निकालने के लिए कहती है, लेकिन चुनाव अब भी नहीं मानता और बिना उनके सवालों का जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। जो देखकर शुजुना उससे पूछता है कि तुम्हारे लिए चन्नी जरूरी है या फिर यूनी, पर उसी वक्त वहाँ पर चन्नी ताइचू के साथ आ जाती है जिसे चोट लगी थी, तो चुनाव उसकी हालत के बारे में पूछने लगता है, पर चन्नी उसे बिना कुछ कहे ताइचू के साथ वहाँ से चली जाती है। सीन अब ताइचू के घर पर आता है जहाँ वो चन्नी को उसके घर पर ही कुछ दिन आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर मॉम जिंजी उसकी चोट को देखेंगी तो वो काफी परेशान हो जाएंगी, जिसके लिए चन्नी भी मान जाती है। फिर ताइचू उसे एक नेकलेस देता है जो कि चन्नी को काफी पसंद आता है, साथ ही साथ वो इससे यहाँ पर ये भी पूछता है कि क्या वो उसके साथ वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहेगी, जो सुनकर चन्नी सोचने लग जाती है। फिर हम मॉम जिंजी को देखते हैं जिन्हें डाउट आता है कि भला वीकेंड पर चन्नी घर क्यों नहीं आ सकती, और यही सोचते सोचते वो खाने में ज्यादा नमक डाल देती है, तो शेन से उन्हें रोकता है।
इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि यूनी की ब्रेन में जो क्लॉट था उसे डिसॉल्व कर दिया गया है और वो जल्दी ही दोबारा से देखने लगेगी। जो सुनकर मिसेस शेनचैन की सांस लेती है। फिर वो यूनी से पूछती है कि क्या किसी ने तुम्हें जानबूझकर गिराया था, पर यूनी यहाँ पर मना कर देती है और कहती है कि वो सब एक एक्सीडेंट था। मिसेस शेन उसे बोलती है कि तुम दोनों की शादी डिसाइड किए हुए शेड्यूल पर ही होगी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब जब जुनाओ यूनी के पास बैठा हुआ था तो यूनी उसे अपना बैग खोलने के लिए कहती है, पर जब जुनाओ बैग खोलता है तो उसमें वो फोटो मिलती है जिसमें चेनियो और तोंगाओ राइड पर बैठकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। यूनी फिर यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि उसने ये फोटो इसीलिए अभी तक संभाल कर रखी थी ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैंने तुम्हारी इस गलती पर भी तुम्हें माफ कर दिया था और तुम हमेशा से मेरे लिए एक उम्मीद की किरण रहे हो, लेकिन मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई और शायद तुम्हें इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जिनकी ये बात शुभार से सुन रहा था, जो देखकर उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि जुनाओ यूनी को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था। इसीलिए अब शो रिपोर्टर शी से जाकर मिलता है, जहाँ पर वो उसे चेनियो और जुनाओ के कुछ पर्सनल फोटोज देता है, जो देखकर रिपोर्टर शो कहता है कि इसका मतलब ये है कि जुनाओ और विलेज गर्ल का र्यूमर सच है। जिस पर शो कहता है कि अब तो तुम्हें पता ही होगा कि इन फोटोज का तुम्हें क्या करना है। अगले दिन हम मॉम जिन्जी और शेंजी को देखते हैं जिन्हें रिपोर्टर्स ने घेर लिया था और सभी लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। तब शेंजी मॉम को यहाँ पर आज की हेडलाइंस दिखाता है जिस पर चेन्यू और जुनाओ के अफेयर के बारे में लिखा हुआ था। इधर चेन्यू जब ताइजू के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी उसे मिस्टर तांग का कॉल आता है जो कि उसे वहाँ की सारी सिचुएशन बताते हैं। इसीलिए चेन्यू अपने फोन में उस न्यूज को देखती है। इधर हॉस्पिटल में मिसेस शेनशू को शादी की सारी अरेंजमेंट में चुनाव की हेल्प करने के लिए कहती है। इतने में वहाँ पर दावे आ जाता है जो कि आज की हेडलाइंस चुनाव को दिखाते हैं, जो देखने के बाद मिसेस शेन इस चीज का जिम्मेदार भी सिर्फ चेन्यू को ही ठहराती है। इसीलिए चुनाव रूम से बाहर चला जाता है। वहीं चेन्यू भी ग्वान में विले जाने के लिए निकल रही होती है, पर ताइजू उसे वहीं पर रोकता है क्योंकि मीडिया वाले उसी को ढूंढ रहे थे और फिर वो खुद वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। पर उसके जाते ही चेन्यू को जुनाओ का कॉल आता है, जहाँ जुनाओ उसे इस मुसीबत में डालने के लिए माफी मांगता है और सब कुछ जल्दी ठीक करने का प्रॉमिस करता है। इधर मिस्टर तांग जिन्जी और शेंजे को रिपोर्टर से बचाते हुए अपनी कार के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर कार को ले जाकर वो उसकी तक ग्वान में होटल पर रोकते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर सेफ थे। पर तभी मॉम जिन्जी को याद आता है कि वो तो अपनी शॉप को लॉक करना ही भूल गई, इसलिए मिस्टर तांग उसे लॉक करने के लिए वापस जाते हैं। इससे भी ताइजू भी स्टोर पर पहुंच जाता है, जहां पर मिस्टर तांग से उसे पता चलता है कि मॉम जिन्जी और शेंजे होटल के अंदर है। इसलिए डोर लॉक करने के बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। सीनब हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां पर मिसेस शेन कहती है कि जुनाओ यूनी की शादी से रूमर्स खत्म हो जाएंगे और सभी लोगों को क्लैरिफिकेशन में मिल जाएगी, लेकिन जुनाओ को इसी को कुछ भी क्लैरिफाई करने से मना करता है और वहां से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे शू भी जाता है और बोलता है कि अपनी करतूतों को छुपाने के लिए वो यूनी की खुशियों का इस्तेमाल ना करे। तो जुनाओ बोलता है कि वो किसी की खुशियों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा और वहां से चला जाता है और दावे से सारे नेगेटिव कमेंट्स हटाने के लिए बोलता है। फिर जब भी लोग सैनमिल कंपनी में होते हैं तो दावे चुनाव को बताता है कि न्यूज हेडलाइन के बाद से क्लाइंट्स ने अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है। इतने में वहाँ पर मिस्टर जांग आते हैं तो चुनाव को बताते हैं कि अभी तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं रहा बल्कि पूरी कंपनी का मैटर हो चुका है और बोर्ड मेंबर्स तुम्हारी एक्सप्लेनेशन का वेट कर रहे हैं, जो बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। जांग अब सीधा शो के पास जाता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि तुम चुनाव के खिलाफ जा रहे हो जो कि अच्छी बात है, पर इससे कंपनी को नुकसान हो रहा है और ऐसा कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। लेकिन शो उससे बोलता है कि तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले और गुस्से में उसे अपने कैबिन से जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ ग्वानमाइन के अंदर मॉम जिन्जी और बाकी सभी लोग इस न्यूज को लेकर काफी परेशान थे, इसीलिए मिस्टर तांग मॉम जिन्जी को अपने होटल में कुछ दिन रहने के लिए कहते हैं, जिस पर मॉम जिन्जी बोलती है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और भला वो यहाँ पर क्यों छुपे। पर ताइजू उन्हें यहाँ पर पूरी सिचुएशन समझाता है और उन्हें घबराने से मना करता है। फिर कुछ देर बाद वो भी वापस से अपने अपार्टमेंट में आता है और चेनी को बताता है कि मॉम जिन्जी और शेंजे ग्वान में होटल के अंदर सेफ है।
जेन्यू यहाँ पर अब सारी गलती अपने ऊपर लेने लगती है और कहती है कि जुनाओ और मेरी दुनिया में काफी डिफरेंस था, पर फिर भी मैंने उससे प्यार किया। जिस पर ताइजो कहता है कि उसके लिए भले ही तुम्हारी दुनिया अलग हो, पर मेरे लिए तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो, और जेन्यू को मूव ऑन करने के लिए कहता है। तो जेन्यू बोलती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी, लेकिन एक काम करने के बाद। फिर रात में हम देखते हैं कि मिस्टर जांग मिस्टर लिन और श्रू के साथ उनके जेल से रिलीज होने पर पार्टी कर रहे थे, पर यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जो ना उन्हें श्रू और लिन से उनके शेयर्स काफी लो प्राइस में खरीदे थे और जेल भेजने की वजह से वो दोनों से काफी गुस्सा थे। फिर मिस्टर श्रू यहाँ पर जांग को इक्विटी ट्रांसफर रिपोर्ट की कॉपी देते हैं, जो कि शू के डैड और जनाओ के डैड के बीच में हुई थी, और साथ ही वो उसे यहाँ पर उनके याश की एक्सप्लोजन रिपोर्ट भी दिखाता है, जिससे ये पता चल रहा था कि शू के डैड ने जब शेयर्स ट्रांसफर किए थे उसके बाद उनकी बोट में एक्सप्लोजन हुआ था, और ये बोट उन्हें जनाओ के डैड ने गिफ्ट की थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर उन्हें उस हादसे के विटनेस दिंगशुआन का कन्फेशन भी दिखाते हैं, जो कि ये प्रूफ करता है कि जुनाओ के डैड ने शू के डैड के खिलाफ ही चाल चली थी उन्हें मरवाने के लिए। अगले दिन हॉस्पिटल में शू यूनी के लिए सनफ्लावर्स लेकर आता है, पर यूनी कहती है कि बिना सूरज के सनफ्लावर्स का क्या मतलब है, और कहती है कि वो जुनाओ के बिना नहीं रह सकती। शू बोलता है कि मैंने हमेशा से ही तुम्हें सपोर्ट किया, पर तुम सही चॉइस करने में नाकामयाब रही, लेकिन मैं तुम्हारा सूरज बन सकता हूँ। जिसकी ये बात सुनकर यूनी अपना हाथ पीछे कर लेती है और माफी मांगकर बोलती है कि वैसे देखा जाए तो हम दोनों एक ही जगह पर हैं, इसीलिए तुम मेरा दुख अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि शू यहाँ पर यूनी से वन साइडेड लव करता था और यूनी जुनाओ से। इसके बाद हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स ने जुनाओ को घेर लिया था और वो उसे सवाल जवाब कर रहे थे, पर इतने में जेनी वहाँ पर ताइजो के साथ आती है और सभी रिपोर्टर्स को बताती है कि जब जुनाओ ने अपनी याददाश्त खो दी थी तो उसने ग्वानमेन के अंदर काफी दोस्त बनाए थे, जिनमें से मैं भी एक थी, और दोस्ती के अलावा उनके बीच में कुछ भी नहीं है। ताइजो भी यहाँ पर बताता है कि उसने चेनवी को सनविल के अंदर काम पर लगवाया था और वो जल्द ही उसे एज अ बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करेगी, जो बोलकर वो चेनवी को यहाँ से ले जाता है, जिसके पीछे जुनाओ भी जाता है और चेनवी से ये सब करने का कारण पूछता है। तो चेनवी कहती है कि उन दोनों की दुनिया अलग है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर चेनवी के यहाँ से जाने पर ताइजो जुनाओ को कहता है कि चेनवी को खुश रहने दो, और बताता है कि चेनवी और उसने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया है और जल्दी वो इस कंट्री से बाहर चले जाएंगे। सीन वापस हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर चेनवी यूनी से मिलने के लिए आती है और उन्हें उनका ब्रेसलेट वापस करती है। वो उसे बताती है कि उसने सनवेल से अपनी जॉब छोड़ दी है, जिसके बाद वो यूनी और जुनाओ को विशेष देकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात में ताइजो मॉम जिन्सी को बताता है कि चेनवी को न्यू जगह पर जाना चाहिए, इसीलिए वो यहाँ से जा रहे हैं। तो शेंजी बोलता है कि उसका भी ब्रेकअप हुआ है तो क्या वो भी उसके साथ चले, लेकिन मॉम जिन्सी उसे चुप करा देती है और चेनवी उसे पूछती है कि यह उसका फाइनल डिसीजन है, जिस पर वो हाँ बोलती है, इसीलिए मॉम जिन्सी भी उसकी बात मान जाती है और ताइजो को चेनवी को अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलती है। सीन अब शू पर आता है, जिससे कि मिस्टर जांग मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर वो उसे उसके डैड के एक्सीडेंट की रिपोर्ट दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि कैसे जुनाओ के डैड मिस्टर शेन ने उसके डैड का एक्सीडेंट करवाया था। फिर वो उसे उस फिटनेस का एड्रेस भी देता है जो कि उसे सच बता सकता था, जो सुनकर शू फटाफट से उससे मिलने के लिए चला जाता है। इधर मिसेस शेन जुनाओ को शादी के लिए मनाने की काफी कोशिश कर रही होती है। वो उसे बोलती है कि यूनाओ ही तुम्हारी बेस्ट पार्टनर है और बोलती है कि ऐसा हस्बैंड यूनी तुम्हें अपने साथ देखना चाहती है, लेकिन चेनवी वो लड़की नहीं है। पर जुनाओ बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में जाकर उस फ्रॉक को देखने लग जाता है जो कि चेनवी ने उसे दिया था। वहीं शू उस फिटनेस दिंगशुआन के घर पर पहुंच चुका था। शू यहाँ पर उसे सीधा अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो दिंगशुआन बताता है कि वो लोग बहुत ही सीधे और बहुत ही अच्छे लोग थे, जो बात सुनकर शू रोने लगता है। दिंगशुआन बताता है कि कैसे मिस्टर शेन ने तुम्हारे पापा के साथ धोखा किया और उन्हें उनके शेयर्स बेचने पर मजबूर किया, जिसके बाद उसने उन्हें एक बोट गिफ्ट की और उस बोट के अंदर उसने ब्लास्ट करवा दिया, क्योंकि उसी ने उस बोट के अंदर बॉम्ब को रखा था और उसे इतने सालों तक ये बात किसी को भी नहीं बताई, पर अब वो ये चीज़ और नहीं छुपाना चाहता था, इसीलिए वो उसे सच्चाई बता रहा है।
जो सुनकर शो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोच लेता है कि वो जुनाओ की फैमिली से बदला ज़रूर लेगा। इसके बाद हम सैनुअल कंपनी को देखते हैं जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज जुनाओ और चेन्यू के अफेयर की न्यूज़ पढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर जुनाओ आता है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और न्यूज़ बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ यूनी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी, पर मिसेस शेन यहाँ पर इस बात से परेशान थी कि सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई हैं पर फिर भी यूनी देख क्यों नहीं पा रही, जिस पर यूनी उन्हें परेशान ना होने के लिए कहती है। फिर मिसेस जियांग उसे एक रिंग पहनाती है और बताती है कि ये रिंग तुम्हारी ग्रैंडमा ने मुझे मेरी शादी पर दी थी और अब मैं तुम्हें ये दे रही हूँ ताकि हम इसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सके। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि कल जुनाओ और यूनी की शादी है। सीन अब चेन्यू पर आता है जो कि अपने फोन से जुनाओ का नंबर डिलीट कर देती है क्योंकि अब वो उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती थी। इधर जुनाओ चेन्यू को कॉल लगाने लगता है पर तभी दावे आते हैं जो बताते हैं कि फाइनेंशियल और लीगल डिपार्टमेंट ग्वानमा इनके जॉइंट ऑपरेशन वाली डॉक्यूमेंट्स पर स्टैंप लगाने में देरी कर रहे हैं। और वो ये भी बताता है कि इन सभी लोगों को शो ने हायर किया था, पर जुनाओ बोलता है कि शो पर उसे पूरा भरोसा है और ये बोलकर वहां से चला जाता है। इधर शो को उसका असिस्टेंट बताता है कि जुनाओ ने हमारे लोगों को पेपर स्टैम्प करने के लिए फोर्स किया, जो सुनकर शो जुनाओ से मिलने के लिए जाता है पर दावे उसे बताता है कि वो ऑफिस में नहीं है। इसलिए शो अब जुनाओ को कॉल लगाता है लेकिन वो उसका कॉल भी नहीं पिक करता। फिर रात में हम देखते हैं कि जुनाओ चेन्यू के घर उसे मिलने के लिए गया होता है जहाँ मॉम जिंजी जुनाओ को बताती है कि चेन्यू जल्दी ही ताइचू के साथ जाने वाली है और तुम भी चेन्यू से दूर रहो और उसे शांति से जीने दो। तभी चेन्यू उसे बालकनी से देख लेती और नीचे आती है। फिर वो यहाँ पर उसके आने का कारण पूछती है तो जुनाओ मॉम जिंजी को ग्वानमा इनके जॉइंट ऑपरेशन वाले डॉक्यूमेंट्स दे देता है और चेन्यू को उसके साथ एक आखिरी बार कहीं पर चलने के लिए कहता है। मॉम जिंजी यहाँ पर चेन्यू को रोकने की कोशिश करती है पर वो जुनाओ के साथ चली जाती है। इधर कार में चेन्यू जुनाओ से पूछती है कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है पर जुनाओ उसे कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ मॉम जिंजी और शेन से वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं जिसपे लिखा हुआ था कि सैनमेल ग्वानवे इनके साथ 3 साल तक काम करेगा और उसके बाद मिस्टर तांग के शेयर उन्हें लौटा देगा, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर शो जुनाओ के बारे में पता करने के लिए आता है जहाँ उससे पता चलता है कि जुनाओ तो चेन्यू के साथ कहीं पर गया हुआ है, इसलिए शो भी वहाँ से चला जाता है। सीन अब वापस से जुनाओ पर आता है जो कि चेन्यू को उसी अम्यूजमेंट पार्क में लेकर जाता है जहाँ पर वो तोंगाओ के साथ आखिरी बार गई थी, लेकिन चेन्यू कहती है कि ये तो बंद है। पर तभी एक एक करके वहाँ की सारी लाइट्स ऑन होने लगती है और ये सब चेन्यू को काफ़ी पसंद आता है। वो पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए, तो जुनाओ बताता है कि उसने एक फ़ोटो में देखा था कि तुम और तोंगाओ कितना एंजॉय कर रहे थे, इसलिए उसे लगा कि यही बेस्ट वे हुआ तुम्हें गुड बाय कहने का। वहीं मॉम जिंजी वो डॉक्यूमेंट्स मिस्टर तांग को दिखाती है और तभी वहाँ पर ताइजू चेन्यू से मिलने के लिए आ जाता है। तभी मॉम जिंजी उसे सारी बातें बताती है कि वो बिना बताए उसे कहीं पर ले गया है, इसलिए ताइजू वहीं पर चेन्यू का वेट करने लगता है। सीन अब यूनी पर आता है जो कि अपनी मेट से जुनाओ के बारे में पूछती है पर मेट बताती है कि वो तो अभी तक वापस ही नहीं आया। दूसरी तरफ चेन्यू जुनाओ को मैरी गो राउंड राइड के पास लेकर जाती है और बताती है कि यही तोंगा और उसकी फर्स्ट डेट हुई थी, जिसे सुनकर जुनाओ उनके बीच हुई चीज़ों के बारे में उससे काफ़ी क्यूरियसली पूछता है तो चेन्यू उसे ये सब कुछ याद कराने से मना कर देती है। फिर जुनाओ अपने हाथ आगे बढ़ाता है तो चेन्यू उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों साथ में राइड में जाते हैं। फिर जब ये दोनों साथ में राइड कर रहे होते हैं तभी चेन्यू इमोशनल होकर तोंगाओ को याद करने लगती है। फिर वो उसे बोलती है कि जुनाओ के साथ ये उसकी पहली और आखिरी डेट है, जो सुनकर जुनाओ थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। दूसरी तरफ ताइचू उस डॉक्यूमेंट के बारे में मिस्टर तांग को बताते हैं कि सैनुअल कंपनी उनके साथ 3 साल तक काम करके एक ब्रांड न्यू ग्वानमेन खड़ा करेगी जिसमें मिस्टर तांग और उनके एम्प्लॉयज को सैलरी और बोनस वगैरह सब मिलेगा। फिर 3 साल के बाद सैनुअल कंपनी मिस्टर तांग को उनके शेयर वापस कर देगी, पर सबको ये डाउट आ रहा था कि भला बिना किसी फायदे के जुनाओ ने ग्वानमेन वापस क्यों करेगा। सीन वापस से अम्यूजमेंट पार्क की तरफ आता है जहाँ पर ताइचू चेन्यू से उसकी लोकेशन पूछता है तो चेन्यू उसे बता देती है कि वो चुनाव के साथ अम्यूजमेंट पार्क में है, लेकिन जब यूनी चुनाव से कॉल करके पूछती है तो वो झूठ बोल देता है कि वो बिजनेस के काम से बाहर आया हुआ है और उसे आने में टाइम लगेगा।
इसलिए यूनिया अब उन्हें उनकी कल की वेडिंग के बारे में याद दिलाती है, पर जुनाओ बिना कुछ कहे ही फोन काट देता है। इधर ताइचू भी चेन्यू को बताता है कि उन्हें कल उनकी ट्रिप के लिए निकलना है और कॉल कट कर देता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। पर जुनाओ कुछ कहता इससे पहले ही चेन्यू उसे घर चलने के लिए कहती है। वही हम देखते हैं कि यूनी शू के साथ होती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि अफसोस वो मैरिज हॉल की डेकोरेशन देख नहीं पाएगी। तो शू कहता है कि वो काफ़ी सारी फोटोज़ खींचेगा ताकि तुम उन्हें ठीक होने के बाद देख पाओ। शू यहाँ पर उसे बताता है कि जुनाओ तुमसे झूठ बोल रहा है और वो तुमसे प्यार नहीं करता, पर यूनी कहती है कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है और वो बस जुनाओ से शादी करना चाहती है। जिस पर शू कहता है कि वो आदमी तुम्हें डिसर्व नहीं करता, लेकिन यूनी को तो बस जुनाओ से शादी करनी थी। वो यहाँ पर शू से बोलती है कि उनके डैड तो अब नहीं रहे, तो क्या तुम कल शादी के दिन मुजाइल तक लेकर जाओगे, जिसके लिए शू हाँ कर देता है और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर वो मैरिज हॉल की लोकेशन पर पहुँचता है और अपने असिस्टेंट से कुछ अरेंजमेंट करने के लिए कहता है, तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है जो शू से पूछता है कि क्या तुम शेन फैमिली को ऐसे ही जाने दोगे, लेकिन शू उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। सीना वापस से जुनाओ पर आता है जो कि चेन्यू को उसके घर छोड़ता है, पर उसके उतरने से पहले जुन्ना उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन चेन्यू अपना हाथ हटाकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि जुनाओ भी चेन्यू को अपनी से दूर जाता हुआ नहीं देख पाता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब चेन्यू जब अंदर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि ताइचू उसे ढूंढने के लिए गया हुआ है, इसलिए वो ताइचू को मैसेज करती है कि वो घर पर आ गई है। जिस मैसेज को देखने के बाद ताइचू भी वापस घर की तरफ आने लगता है। तभी चेन्यू को अपने घर वालों से पता चलता है कि जुनाओ ने ग्वानमेन को वापस करने का फैसला किया है, तो वो तुरंत वहाँ से निकलती है और अपनी कार लेकर जुनाओ के पास जाने लगती है। पर हम देखते हैं कि जुनाओ रास्ते में ही अपनी कार रोककर कुछ सोच रहा था, लेकिन तब तक चेन्यू ग्वानमेन विलेज के एग्जिट पॉइंट पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे ऑफिसर ली मिलते हैं जो कि आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे। ली के पूछने पर चेन्यू उसे बताती है कि वो यहाँ पर जुनाओ का वेट कर रही है क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी है, पर वो बताता है कि जुनाओ की कार तो अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर ताइचू भी आ जाता है और चेन्यू को घर चलने के लिए कहता है, पर चेन्यू तो वहाँ पर जुनाओ का वेट कर रही थी, तो ताइचू पूछता है कि क्या वो उसे उस एग्रीमेंट के लिए थैंक्स कहने का वेट कर रही है। फिर वो उसे याद दिलाता है कि कल से वो लोग वर्ल्ड टूर पर जाने वाले हैं और कल जुनाओ और यूनी की शादी भी है। और बात रही जुनाओ के ग्वानमेन को वापस करने की, तो उसे जुनाओ का गिफ्ट समझो, इसलिए अब चेन्यू ताइचू की बात मानकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उनके जाने के बाद वहाँ पर जुनाओ आ जाता है, जिसे ऑफिसर ली बताता है कि चेन्यू यहाँ पर उसका वेट कर रही थी, पर वो ताइचू के साथ वापस चली गई। अब इससे पहले कि जुनाओ वापस जा पाता है, उसे दावे का कॉल आता है जो बताता है कि मीडिया में जिसने चेन्यू को उनके अफेयर की खबर लीक की थी उसका पता चल गया है। तो जुनाओ से पर्सनली मिलकर बताने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइज ये थी आज के वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते